पशुपालन में आने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक परामर्श के द्वारा समाधान व किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नवीनतम वैज्ञानिक विधियों द्वारा पशु के गर्भाधान एवं उत्पादन में वृद्धि विषय पर लुवास विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के अधिकारी, लुवास के वैज्ञानिक अधिकारी व प्रगतिशील किसान इस कार्यशाला में शामिल हुए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने में पशुपालन का सबसे बड़ा योगदान है। कृषि के साथ साथ पशुपालन करके ही किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है। दूध उत्पादक किसान हैं, पशुपालक किसान हैं, उनकी आमदनी को जल्दी से जल्दी बढ़ाएं और क्या रोड मैप तैयार करें और ऐसी मनोस्थिति तैयार करें कि हरियाणा दूध उत्पादन में पशुपालन में नंबर वन आए। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादन में हरियाणा को पहला स्थान दिलाने का लक्ष्य रखा है। वहीं पशुपालकों के लिए सरकार ने कई योजना लागू की हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालकों के बीमार पशुओं के इलाज के लिए सरकार एक टोल फ्री नंबर जारी करने जा रही है। पशुओं के इलाज के लिए 200 मोबाइल वैन शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि एक फोन कॉल के माध्यम से मोबाइल वैन बीमार पशु के पास जाएंगी और उसका इलाज करेंगी। 200 मोबाइल वैन चालू करेंगे, एक टोल फ्री नंबर कॉल सेंटर होगा, जिस तरह से पुलिस का 100 नंबर होता है, 112 होता है, किसी का पशु बीमार होगा तो वहाँ सूचना जाएगी, वो उसके बाद वो GPS लगी हुई वैन होगी, वैन उसके पास कितनी देर में जाएगी, उसका क्या इलाज हुआ उस किसान पूछा जाएगा। हमारा मकसद ये है कि किसान को जोखिम फ्री करें, उसको बीमार पशु की सहायता तुरंत पहुँचे।